लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। पिछले एक दिन से एक हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, वो हैशटैग है रिलीज लालू यादव। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। पिछले दो तीन दिनों में लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद कल शनिवार को उन्हें दिल्ली एम्स में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरा उनका परिवार उनके साथ वहां पर मौजूद है, काफी परेशान है। लेकिन शनिवार से एक हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड करने लगा है, हैशटैग है रिलीज लालू यादव। और इस हैशटैग को ट्रेंड कराने में केवल राजद कार्यकर्ताओं का हाथ नहीं है, बल्कि बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता और यहां तक कि बड़े बड़े पत्रकार भी इस हैशटैग को इस्तेमाल कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को बिहार का धरोहर तक बता रहे हैं, किस तरह से लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को आगे लाने की लड़ाई लड़ी, वो इस हैशटैग का इस्तेमाल कर पोस्ट कर रहे हैं। एक पत्रकार हैं मीना कोटवाल, वो लिखते हैं, आने वाले नस्लें पूछेंगी, आरक्षण और गंगा जमुनी तहजीब बचाने के लिए लालू जी जब जान की बाजी लगा दिए थे, जेल जाना मंजूर किए, लेकिन आरएसएस के सामने घुटने टेकना नहीं, तो आप क्या कर रहे थे? जवाब तैयार कर ले, क्योंकि इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो अपना हक लेना जानता है। हैशटैग रिलीज लालू यादव। इसके बाद एक और बड़े पत्रकार हैं दिलीप मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता भी, वो तो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के पीछे साजिश करार देते हैं। वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के भतीजे दीपक मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। जस्टिस हरगोविंद मिश्रा का बेटा अरुण मिश्रा जज। लालू यादव हाईकोर्ट से बरी हो चुके थे, सीबीआई ने अपील की, मिश्रा ने मामला मिश्रा को सौंपा, खिलाफ फैसला हो गया, हैशटैग रिलीज लालू यादव। यानी कि उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में डालने के पीछे जातिगत रणनीति भी तैयार की गई थी। इसके अलावा एक बड़ी पत्रकार हैं, आप बेहतर तरीके से उन्हें जानते होंगे, अरफा खान, खुलकर अपना विचार रखती हैं। वो लिखती हैं, सांप्रदायिक दंगों और आतंकवाद के आरोपी संसद में बैठे हैं और दलितों पिछड़ों के मसीहा लालू यादव जेल में, ये कैसा इंसाफ है, ये कहां का इंसाफ है, हैशटैग रिलीज लालू यादव। एक और हैं दिवाशीष जररिया, वो लिखते हैं, जागो पिछड़ा जागो, जब एक जननेता जीवित है तो उसकी कद्र नहीं कर रहे, जब वो चला जाएगा तो मूर्ति लगाकर पूजोगे। आज लालू प्रसाद बीमार हैं तो सामंती ताकतें उन्हें जीते जी बाहर नहीं आने देना चाहती, क्योंकि वो जानती हैं कि लालू जी एक योद्धा है, हैशटैग रिलीज लालू यादव। और इसके बाद तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो भी लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा बयान जो उन्होंने काफी सालों पहले दिया था, सांप्रदायिक दंगों कि लड़ाई के खिलाफ यह बयान था, वो बयान था, जब इंसान नहीं बचेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, इंसानियत नहीं बचेगा तो मस्जिद में इबादत कौन करेगा। ये वो लालू प्रसाद यादव का लाइन पोस्ट करते हुए हैशटैग इस्तेमाल करते हैं रिलीज लालू यादव। इसके बाद एक और है छोटू भाई वाशवा, वो लिखते हैं, लालू प्रसाद यादव जी के स्वास्थ्य को देखते हुए केंद्र सरकार और कोर्ट को उनको जमानत दे देनी चाहिए, लालू जी बिहार के एक धरोहर है, हैशटैग रिलीज लालू यादव। ऐसे तमाम पोस्ट अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं हैशटैग रिलीज लालू यादव के नाम से। और इन हैशटैग के इस्तेमाल का मतलब है कि जो जनता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो राजद के समर्थक हैं, जो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को अब जेल से रिहा कर दिया जाए, स्वास्थ्य उनका काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है, और इसी कामना के साथ वो लगातार इस हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। जो दूसरे भी दल हैं वो भी लालू प्रसाद यादव के प्रति संवेदना रख रहे हैं, लेकिन रिलीज की बात यानी लालू प्रसाद यादव को जेल से छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल यह हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। देखना है कि क्या यह सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में आता है, क्या लालू प्रसाद यादव जी का सेहत और स्वास्थ्य देखते हुए उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि मामला कोर्ट में जाएगा, डिसीजन कोर्ट को लेना है। कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, राजद कार्यकर्ता, पत्रकार अपनी केवल राय रखते हैं, राय उनकी एक ही है कि लालू प्रसाद यादव ने पिछड़ों को आगे लाने में काफी मेहनत की,
काफी कुछ जंग लड़ा है, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ा है, मनुवादी ताकतों के खिलाफ लड़ा है। इसलिए अब लालू प्रसाद यादव को उनकी सेहत का ध्यान रखते हुए रिहा कर देना चाहिए। अब कार्यकर्ताओं, राजद समर्थकों, लालू समर्थकों की बात कोर्ट कितना मानती है ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।